नमस्ते इंडिया, यूडीमोनियाज मेस्टर्स में मैं निकी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ और ये समझती हूँ कि आप सब खुश है और खैरियत से है। तो हमारी अब्रा अब पहुँच चुकी है ग्रैंड सुक के स्टेशन पर और हम रोड क्रॉस करके, एक्चुअली सबवे क्रॉस करके आ चुके हैं ग्रैंड सुक दियरा में। तो ये जो सूक है वो पिछले वाले जो ओल्ड सूक था, मतलब पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था, लगभग उसी तरह है, थोड़ा रंग बिरंगा है और वही सारे स्पाइसेस, परफ्यूम्स, कपड़े और आपके घरों में जो शोकेसेस है वहाँ पे रखने के लिए दुबई की कुछ यादें, तो बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे है, जैसे शूज़ है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने बोला, रंग बिरंगा था यहाँ पर। तो जो रेट्स है वगैरह सोवेनीर्स के, जो आप शो पीसेस और शो केसेस में रख सकते हो, वो लगभग थोड़ा ज़्यादा ही बता रहे थे, 50 दिरम, 100 दिरम, 200 दिरम वगैरह बता रहे थे, तो इससे भी कम मिल सकता है। तो सोच समझ कर शॉप कीजिएगा, वरना बारगेनिंग आती है तो और बढ़िया। तो ये तो था सूक का नज़ारा। उसके बाद हम निकल पड़ते हैं दुबई मरीना की तरफ, अल फहीदी रिटर्न जाकर, वहाँ से अल गुबैबा पहुँचकर खाना वगैरह खा के हम निकल पड़ते हैं दुबई मरीना। तो अल गुबैबा में हमें केरला स्टाइल फूड मिला, वो एक्चुअली एक केरला रेस्टोरेंट था। तो तलशेरी बिरयानी खा ली हमने वहाँ से। वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि उतना पेशेंस नहीं था, हम बहुत घूम घूम के अल गुबैबा के दो चार चक्कर लगाने के बाद हमें वो रेस्टोरेंट मिला था और उनका प्रेयर का टाइम था, फ्राइडे का दिन है, तो इसके वजह से थोड़ा इश्यू हुआ। तो अब हम बस में हैं फाइनली, और आप ये जो नज़ारे देख रहे हो वो जो अल गुबैबा से लेकर मरीना की तरफ जो स्ट्रेच है वहाँ के नज़ारे हैं। तो अलग अलग तरीके के नज़ारे देखने को मिलते हैं, बिल्डिंग्स देखने को मिलते हैं, ये शायद कोई शोरूम लग रहा है मुझे देखकर। और उसके अलावा यहाँ पे डेंटल क्लिनिक, फिर क्या बोलते हैं वो, स्किन के क्लिनिक्स वगैरह, और उसके बीच बीच में बड़े बड़े मैंशंस, रेजिडेंशियल एरिया वगैरह जो भी है दिखाई देते हैं। तो ये जो एरिया है वो अपने सिटी साइड जो टावर्स वगैरह, बड़े बड़े लंबे लंबे इमारतें दिखते हैं, यहाँ पे काफ़ी कंपैरेटिवली सब कुछ एक ही लेवल पे है, मीडियम लेवल पे है, ज़्यादा ऊंची इमारतें नहीं है। तो इसका कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा, इनके जो सिस्टमैटिक, जो इनका जो भी आर्किटेक्चर है, जो भी इनका प्लानिंग है, उसके हिसाब से ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो हम सिटी साइड में देखते हैं बड़े बड़े इमारतें, बड़े बड़े टावर्स, वैसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और ये जैसे कि देख रहे हैं आपने, इन्होंने कितना वेल मेंटेन किया हुआ है, यहाँ पे भी ग्रास वगैरह, तो बहुत ही बढ़िया नज़ारे हैं ये, तो एंजॉय करिए। कि बस की मैं ये बात बता दूँ, यहाँ पर बस में खाना और पानी वगैरह पीना कुछ भी अलाउड नहीं है, और आप किसी को बैड वर्ड्स बोल नहीं सकते, मतलब गाली वगैरह दे नहीं सकते, नो झगड़ा अलाउड। तो यहाँ पे बस में भी कुछ रूल्स होते हैं, स्मोकिंग वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, तो इन रूल्स का ध्यान ज़रूर रखिए। दुबई जो है वो रूल बुक से ही चलती है, तो रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी में इस सिटी की सुंदरता भी है भाई, दिखती है वो। तो यस, हम फाइनली अपने दुबई मरीना के एरिया में पहुंच चुके हैं, और अब देख सकते हो जो नज़ारा वहाँ पे था जब हम बस से ट्रैवल कर रहे थे, इमारतों में और एरिया में कम्प्लीटली डिफरेंस आ चुका है। यहाँ पे सब बड़ी बड़ी इमारतें आपको दिखाई देती है और वहाँ पे सब एक मीडियम लेवल पे है, और यहाँ पे थोड़ा सा अलग ही है। तो ये जो मरीना का एरिया है वो इन लग्जोरियस अपार्टमेंट के लिए, रेजिडेंशियल एरिया के लिए ही फेमस है। तो जैसे कि मैंने बोला, बहुत ही पॉश एरिया है ये और बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो एंजॉय करिए ये भी नज़ारे। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद हम मरीना वॉक की तरफ जाने में थोड़ा सा कंफ्यूज थे, इतना बड़ा एरिया है, समझ में नहीं आता, बोर्ड वगैरह, साइन बोर्ड वगैरह इतना हेल्पफुल नहीं होते हैं कभी कभार, तो पूछ पूछ कर कैसे कैसे कर हम पहुंच ही जाते हैं रास्ते पे, लेकिन बहुत टाइम लगता है। तो मिनरल वाटर वगैरह सब लेकर इसकी हमें कॉस्ट पड़ी 1.65 दिरहम्स, तो लगभग उतना होता है पानी के बॉटल का, एक लीटर की बॉटल है वो। और हम पहुँच गए अपने मरीना वॉक के साइड में,
और इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे। गर्मी थी, लगभग 4 बज रहे थे, 4-4:30 का टाइम था, फिर भी गर्मी थी। जितना एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा सा टेम्परेचर कूल डाउन होगा, कुछ हुआ नहीं। गर्मी तो थी लेकिन ये नज़ारे इतने ब्यूटीफुल थे कि आपको वो गर्मी का एहसास ही नहीं होता है। तो यहाँ पे आप वॉक भी कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, और ये जो एरिया है दुबई मरीना वॉक का, वो जो एक लूप में लगभग 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो यस बहुत बढ़िया बात है। तो दुबई मरीना के आसपास मरीना बीच है, जुमैरा बीच है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो। और इस इन पानियों से ये जो दिख रहा है वो मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, पर बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे ऐसे आपको यॉट्स वगैरह दिखाई देती है जो टूरिस्ट को घुमाती है राउंड्स, एंड डिनर क्रूज बोल भी होता है यहाँ पे, मतलब एक पैकेज होता है जहाँ पे एक घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए आप खाना खा सकते हो, म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हो, डांस एंजॉय कर सकते हो, और बहुत कुछ। दिन ये वाला जो है वो ख़त्म हुआ नहीं है, इसके बाद और भी बहुत कुछ बाकी है, पर वीडियो जैसे कि मैंने पिछले बार भी कहा था बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके वजह से हम शॉर्ट रख रहे हैं, और अगली स्टोरी, इसी दिन की अगली स्टोरी अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और ये है हमारा बुर्ज अल अरब बहुत ही फैसिनेटिंग है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सपोर्ट कीजिए।